आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड, मेरा नाम है आसफा चीमा। आईटीओ टेलीकॉम अपडेट्स में आप सबको खुशामदीद। हमारी आईटीओ टेलीकॉम अपडेट्स की हेडलाइंस, सबसे पहले बात करेंगे गूगल मैप्स की अपग्रेडेशन के हवाले से कि उसमें आईओएस और एंड्रॉयड में कुछ फीचर्स जो हैं वो अपडेट किए गए हैं और आईओएस और एंड्रॉयड में मैसेज के फीचर को भी जो है वो गूगल मैप्स में अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स, हम बात करेंगे आज फेसबुक मैसेंजर के हवाले से कि उसमें अनसेंड मैसेज के ऑप्शन को जो है वो बहुत जल्द तमाम डिवाइसेस पर रोल आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे पास आज की जो लास्ट अपडेट है वो है ऑनर 10 लाइट के हवाले से, जो कि आपको नवंबर 21 को देखने को मिलेगा। इसकी लॉन्चिंग जो है वो नवंबर 21 को बीजिंग में की जा रही है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की आईटीओ टेलीकॉम अपडेट्स की हेडलाइंस, चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। तो व्यूअर्स, हमारी आज की जो फर्स्ट अपडेट थी वो है गूगल मैप के हवाले से। जी हाँ, गूगल मैप में आईओएस में जो है वो डिफरेंट अपडेट्स लाई गई हैं, डिफरेंट न्यू फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जैसे कि इवेंट सेक्शन का जो है वो आईओएस में फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके अलावा इसमें एलिवेशन डाटा, वॉकिंग एंड रिसाइकिलिंग का जो है वो फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें आपका वॉकिंग का और साइकिलिंग का डाटा जो है वो इंस्टॉल होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम बात करें एंड्रॉयड और आईओएस के हवाले से कि गूगल मैप्स में कौन सा फीचर अपडेट किया गया है, तो वो फीचर है मैसेज का, जो कि आपको दूसरी एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है। एक इनबॉक्स का फीचर, तो इसमें भी अब आपको मैसेज का फीचर जो है वो देखने को मिलेगा कि आप अपनी जिस डेस्टिनेशन पर जा रहे होंगे, किसी रेस्टोरेंट या शॉप, और अगर उन्होंने अपनी बिजनेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट की हुई है, तो आप उनसे गूगल मैप्स पर जो है वो मैसेज पर बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये एक बिजनेस प्रोफाइल होगी जो कि आप जिस भी डेस्टिनेशन पर जा रहे होंगे और उनकी तरफ से एक्टिवेट होगी, तो आप उनसे मैसेज पर इजीली जो है वो अपनी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और आप उस कन्वर्सेशन को किसी भी टाइम ओपन कर सकते हैं, किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आपके पास एक इनबॉक्स की मैसेज की ऑप्शन जो है वो मौजूद होगी। इसके अलावा व्यूअर्स, इसमें मैं आपको ये बताती चलूँ कि डार्क मोड का ऑप्शन भी जो है वो बहुत जल्द ऑन कर दिया जाएगा, कि ये अपडेट जो है वो इसमें भी दी जाएगी। जैसे कि डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो है वो डार्क मोड को जो है वो अपडेट कर दिया गया है, तो होपफुली गूगल मैप्स में भी जो है वो डार्क मोड को बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। चलते हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो है फेसबुक के हवाले से कि फेसबुक मैसेंजर में अब आपके पास दूसरी एप्लीकेशन की तरह, जैसे कि उन सब एप्लीकेशंस में, व्हाट्सएप में और इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशंस में, आपके पास ये फीचर दे दिया गया है कि आप मैसेज जो है वो अपना डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेकली आपने मैसेज सेंड कर दिया, तो उसको आप अनसेंड कर सकते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, आप जो है वो 10 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा कि अगर मैसेंजर से आपने अपने किसी दोस्त को, किसी कॉलीग को गलती से कोई ऐसा मैसेज भेज दिया जिसको आप नहीं भेजना चाहते, लेकिन आपके पास 10 मिनट्स का टाइम होगा कि विद इन 10 मिनट्स आप उस मैसेज को डिलीट कर देंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि फेसबुक का ये ऑप्शन जो है वो बहुत जल्द आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइसेस में तमाम में जो है वो रोल आउट कर दिया जाएगा, तमाम कंट्रीज़ में जो है वो रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, रिसेंटली ये जो है वो लिथुआनिया, कोलंबिया और पोलैंड और एक दो और कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है वो इसको रोल आउट कर दिया है। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे पास आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो है ऑनर 10 के हवाले से। जी हाँ, ऑनर 10 जो है वो बहुत जल्द आपको 21 नवंबर को ये स्मार्टफोन आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है, और बहुत जल्द पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके लॉन्चिंग इवेंट जो है वो बीजिंग में किया जा रहा है, और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी यूनिक स्पेसिफिकेशंस के साथ इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से, तो जो इसके डिस्प्ले के बारे में हमें रूमर्स रिवील किए गए हैं वो ये है कि 6.2 इंचेस जो है वो इसका डिस्प्ले होगा। एंड अगर हम बात करें इसकी रैम और रोम के हवाले से, तो इसकी जो रैम होगी वो 4 और 6 GB वेरियंट में जो है वो इसकी रैम दी जा रही है। एंड एल्स इसकी अगर हम रोम की बात करें, तो वो 64 से 128 GB तक जो है वो हमें स्टोरेज अवेलेबल होगी। एल्स हमारे पास इसमें जो है वो 256 GB तक जो है वो हम SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इसकी बैक पर जो है वो 2 कैमरास दिए जा रहे हैं, जो कि 13 और 2 MP का लेंस जिनमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें, तो उसके बारे में हमें ये सुनने को आ रहा है कि वो 24 MP जो है वो कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो है वो आपको कायरन 710 की चिपसेट के साथ जो है वो दिया जाएगा, और इसमें डिफरेंट कलर्स भी दिए जाएंगे, ब्लू, ब्लैक, ग्रेडियंट
एंड वाइट, ये कलर जो है वो इसमें आपको अवेलेबल होंगे। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो वो 3320 जो है वो mAh की इसमें बैटरी यूज़ की गई है, और काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ, काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ जो है वो स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में हमें स्मार्टफोन में यही स्पेसिफिकेशंस, यही तमाम फीचर्स जो है वो नज़र आते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरे पास आज की अपडेट्स। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। सी यू सून विद न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।